नमस्कार। काफी दिनों से बहुत लोगों के निवेदन और उनके कथनानुसार हमने ये वीडियो तैयार किया है और इसमें हम नई चीज क्या दिखा रहे हैं आपको, कन्या राशि है और 12 के 12 लग्न को कवर किया जाता है। कारण क्या है, एक लग्न की अगर हमने गलती से बात कर दी तो लोग कमेंट में लिख अपना इंडिविजुअल प्रिडिक्शन के बारे में जानना चाहते हैं और ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को हम कवर करें। बट आपको ये सुविधा अवश्य होगी कि 12 के 12 लग्नों की चर्चा इसमें होगी। जो बुद्धिजीवी लोग ज्योतिष की बेसिक जानकारी रखते हैं ये उनके लिए है वीडियो। जिनको अपने लग्न का, राशि का, नक्षत्र का पता नहीं है वो कृपया अपना समय ना गंवाएं और उसके बाद ये ना कहें कि हमारी समझ में कुछ नहीं आया। तो समझ में उन्हीं का आएगा जिनको बेसिक जानकारी है। तो आइए नोट कर लेते हैं इस बात को कि आपकी जो महादशाएं हैं वो कौन सी अच्छी हैं, कौन सी खराब है। बीच बीच में अगर मेरे कुछ याद आया तो मैं नई बात भी बताऊंगा आपको। सबसे बड़ी चीज ये है, हम मेष लग्न और कन्या राशि से शुरू करते हैं। मेष लग्न हो और कन्या राशि हो, चंद्रमा छठे स्थान में होता है और ये चंद्रमा रोग कारक माना गया है। कारण क्या है कि आपके चतुर्थ भाव माता का स्थान है, तो ऐसे बच्चे जन्म से ही माता के लिए कष्ट कारक होते हैं। कन्या राशि में मेष लग्न से जो कन्या राशि है वो छठे भाव में पड़ती है और चतुर्थ भाव माता का है, तो छठा चंद्रमा रोग कारक और छठे भाव में बैठना चंद्रमा का अत्यंत शुभ नहीं होता। अब हम दशा पर आ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो दशा है, कन्या राशि में तीन नक्षत्र हैं, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा और हस्त। उत्तरा फाल्गुनी पहले है, फिर हस्त है, फिर चित्रा है। इस प्रकार जब युवा पोजीशन होगी कन्या राशि वाला, कोई भी हो, जब वो 21 साल से ऊपर का होगा तो उसकी राहु की दशा चल रही होगी। सिर्फ युवा वर्ग की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो सीक्वेंस क्या है, राहु से ही चलेंगे, सबके लिए राहु चलेगा। राहु की महादशा से स्टार्टिंग होगी, तो मेष लग्न का कन्या राशि हो, राहु की महादशा 18 वर्ष शुभ फल देगी और उसके बाद बृहस्पति की दशा 16 वर्ष तक आपके लिए वरदान बनती है, क्योंकि मेष लग्न के भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति है। और फिर 19 साल तक शनि की महादशा आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मुख्य बात यह है, आप सुख भोगते हैं कन्या राशि वाले, कई स्ट्रगल भी करनी पड़ती है और बुध की महादशा तो वरदान बन जाती है। लेकिन क्यों बनती है वरदान, रोग कारक तो रहेगा छठा भाव का, लेकिन कन्या राशि होने के साथ साथ बुध की पोजीशन बताएगी कि ये 17 वर्ष की दशा आपके लिए कैसा फल देगी। और 7 वर्ष केतु की दशा भी सामान्य फल देती है, लेकिन 20 वर्ष की शुक्र की महादशा आपको राजा के समान सुख, वैभव, तरक्की, अच्छे वस्त्र, आभूषण, मकान, प्रॉपर्टी, पैसा, नौकरी तथा चारों तरफ कीर्ति फैलाती है। और बुध, केतु, शुक्र के बाद सूर्य और चंद्रमा की महादशा रोग कारक होती है, सूर्य आपकी कीर्ति को फैलाता है, मंगल दशा कष्ट कारक रहती है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी बनता है मंगल। वृषभ लग्न के लिए ये वृषभ लग्न आया और ये कन्या राशि, पंचम भाव में चंद्रमा अच्छा फल देता है, राहु की दशा बहुत शुभ 18 वर्ष तक, लेकिन बृहस्पति दशा कुछ स्ट्रगल जरूर करने को बताती है कि स्ट्रगल करो, अष्टम भाव रिस्क वाला काम करेगा, चोट खाएगा वृषभ राशि वाला बृहस्पति की दशा में।
रोग कारक भी है, शत्रु वृद्धि कारक है, लेकिन धन अपार अचानक खूब धन भी मिलता है। लेकिन शनि की जब दशा आएगी, वृषभ लगन कन्या राशि 19 साल तक पीछे मुड़ के नहीं देखते, अपने आप को प्रूव करना जानते हैं कि मैं भी कुछ हूं। और इसके बाद शनि की मां दशा जब 19 साल मौज लेते हैं, फिर बुध की दशा पॉजिटिव, गुड अपॉर्चुनिटी। आपके पंचम भाव, आपका धन, धन का भाव और राशि का स्वामी, भले ही आप कंफ्यूज रहते हो, निर्णय लेने की डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, कम होती, इसीलिए वृषभ लग्न और कन्या राशि को क्विक एक्शन लेना चाहिए। अब आगे जो दशाएं हैं आपके लिए, शुक्र और केतु, केतु शुक्र सूर्य चंद्र, ये सारी दशाएं अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। मिथुन लग्न कन्या राशि दोनों ही बुध की राशि है, लग्न भी और राशि भी। आपके लिए राहु की मां दशा 18 वर्ष वरदान बनती है। कारण क्या है? कन्या और मिथुन राशि में राहु उच्च राशि का फल प्रदान करता है। जो सन 82 में पैदा हुए होंगे उनके राहु यहां पर होंगे तो उनको तो अच्छा फल देना ही देना है। 18 वर्ष अटकाव, भटकाव और लटकाव भी रहता, पढ़ाई में कुछ स्ट्रगल जरूर आती है। लेकिन 16 वर्ष बृहस्पति, फिर उसके बाद चंद्रमा की दशा, बृहस्पति के बाद शनि 19 वर्ष, उसके बाद 17 वर्ष बुध, शनि के बाद बुध और फिर 7 साल केतु और 20 वर्ष शुक्र की मादशा आपके घर के सब दुख दूर कर देती है। और सूर्य चंद्रमा ये सब ग्रह जो है आपके लिए महादशाएं शुभ फल देती है। कर्क लग्न और कन्या राशि अजीब संयोग है। कारण क्या है कि कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा बुध की राशि में बैठ गया, और कौन सा ग्रह कहां बैठा है बाकी 9 ग्रहों का, 7 ग्रहों का, 8 ग्रहों का पता नहीं कौन कहां बैठा है। लेकिन ये मान के चलो कि इनके भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति होते हैं, और इनकी दशा जब ये युवा अवस्था में होते हैं, 18 वर्ष राहु की दशा भोगने के बाद जब 16 वर्ष बृहस्पति की दशा आती है, इनके भाग्य स्थान के स्वामी की दशा और कन्या राशि के सप्तम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी की दशा होती है। इसलिए कहीं से भी नो इफ एंड बट नहीं है, आर्गुमेंट नहीं हो सकती। बृहस्पति की दशा इनको धन से परिपूर्ण सुख सम्मान, लोक में सम्मान, वित्त की समस्याओं का समाधान और पुत्र पौत्र आदि का सुख ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलता है। भले ही एकदम बृहस्पति की दशा में ना मिले, क्योंकि कम एज में पौत्र नहीं होता ग्रैंडसन, फिर भी बाद में शनि और बुध और केतु शुक्र की महादशा अमृत रूप में अच्छा फल देती है। सिंह लग्न कन्या राशि दूसरे भाव में चंद्रमा सुख में परिपूर्ण रहते हैं, और पराक्रमी होता है ऐसा आदमी। सिंह लग्न है, कन्या राशि है, सॉफ्ट स्पीकिंग, लोगों को अपनी वाणी से अपना बना लेता है, और राज सत्ता का सुख भी मिलता है, बड़े बड़े काम करने की क्षमता रहती है इनके अंदर। सिंह लग्न अपने आप में एक बहुत बड़ा, ये ही एक इनको सबसे बड़ा पराक्रम, बुद्धि विवेक ज्ञान, बड़े बड़े प्रोजेक्ट से घबराता नहीं है ऐसा आदमी। तो राहु की दशा इनको स्टेबल करती है, स्टेबिलिटी स्थायित्व तो प्रदान करती है, प्लेटफॉर्म दे देती है। बृहस्पति की दशा कष्टकारक, शनि की दशा ऋण रोग शत्रु, बड़ा स्ट्रगल होता है। लेकिन बुध की दशा आते आते ये सेट हो जाते हैं, यानी कि वक्त के थपेड़े, वक्त की समस्याएं,
ऐसे व्यक्ति को तपो न तप्तम वैमेव तप्ता कालो न जाता वैमेव जाता तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, यानी के जो एक श्लोक है कि वो जो तुला राशि हो, सिंह हो, राहु की जब दशा होती है, इनको जो राहु की दशा तपा देती है, इतना तपा देती है, तप करने से तपता है मनुष्य, और उसका लाभ बृहस्पति शनि बुध और केतु शुक्र की मालसा में इनको पूर्ण रूप से मिलता है। इनके लिए वरदान सिंह लगन, कन्या राशि के लिए भी वरदान। कन्या लग्न स्वयं अगर हम बात करेंगे कन्या राशि की, ऐसी स्थिति में राहु इनके लिए वरदान बनता है। बृहस्पति की दशा शुभ रहती है क्योंकि ये दो भाव का स्वामी बृहस्पति। शनि 19 साल तक शुभ फल देता है, त्रिकोण और छठे भाव का स्वामी। यहाँ का कारक भाव है, ये कारक भाव है किसका? शनि का। तो क्यों शुभ फल नहीं देगा? और साथ ही साथ फिर बुध की दशा, क्योंकि इनके इन दो स्थानों के स्वामी और राशि का स्वामी 17 वर्ष शुभत्व प्रदान करने वाला केतु कष्टकारक शुक्र की दशा आपको जीवन के हीरा मोती मणि माला बड़ा बड़े सम्मान पैसा सोना चांदी नौकर चाकर जमीन बड़ी बड़ी गाड़ियां प्रदान करता है, बहुत वाहन सुख देता है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रहा है राहु केतु। इस तरफ अभी ध्यान मत दो, महादशाओं पर देखो। सभी दशाएं भविष्य में शुभ फल देंगी, खासतौर से शुक्र की और दशा सूर्य दशा आपको तीर्थ यात्राएं विदेश यात्राएं इधर उधर भ्रमण करने के लिए, और नुकसान भी होता है इस दशा में बहुत बड़ा सूर्य की दशा में। चंद्र दशा में अपार धन का लाभ भी होता है। आप तुला लगन कन्या राशि राहु दशा 18 वर्ष अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है, क्योंकि कन्या राशि है और तुला लग्न है, 18 वर्ष शुभ फल देती है राहु की दशा। 16 वर्ष तक कष्टकारक रोग तथा शत्रुओं की उत्पत्ति करने का कारण छठा भाव है तुला लग्न का, लेकिन आपके गुजारे लय काम चलता है। नई नई टेक्नोलॉजी और विधि के द्वारा आप अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही बृहस्पति की दशा समाप्त हुई तुला लग्न कन्या राशि, तो 19 वर्ष तक लगातार मैटीरियलिस्टिक चीजें जमीन सत्ता सवारी प्रॉपर्टी पैसा जायदाद खूब धन प्राप्त होता है, और वृश्चिक लग्न की बात कर लेते हैं। वृश्चिक लग्न कन्या राशि जैसे तुला लगन के लिए सारी दशाएं शुभ हुई और होती ही है बृहस्पति को छोड़ करके, ठीक इसी प्रकार वृश्चिक लगन और कन्या राशि आज की तारीख में तो मैं गारंटी नहीं देता क्योंकि कुछ परेशानियां चल रही हैं, लेकिन जिनकी राहु की दशा चल रही है उनको अच्छे फल मिलेंगे। डिपेंड करता है राहु कहां बैठा है। साथ ही साथ अब कंफर्मेशन ले लीजिए, बृहस्पति की दशा अपार धन का लाभ देती है, आपकी संतानों की तरक्की चाहती है, और शनि की दशा 19 साल तक वरदान देती है, और बुध की दशा में मेडिकल चेकअप कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है, कई कई अस्पतालों में भटकना पड़ता है। लाइफ स्टाइल को इनको चेंज करना चाहिए, अपने खान पान रहन सहन में बदलाव बहुत आवश्यक है। शनि की महादशा बताया मैंने, बुध की दशा रोग कारक, केतु एकदम शुभ, और 20 वर्ष तक शुक्र की महादशा वृश्चिक लगन के लिए कन्या राशि के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। सूर्य की दशा में कीर्ति फैलती है, चंद्रमा की दशा में भाग्य उदय हो जाता है, और मंगल तो शत्रुओं का विनाश करता है। धनु लग्न कन्या राशि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये उनके लिए है जो बहुत हाई फाई लोग हैं। धनु लग्न हो और दशम भाव में चंद्रमा हो,
क्लास वन अफसर से कम बात नहीं करता ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन बड़े बड़े पदों पर, और सिद्धि स्वभाव, अपनी हर धर्मी से हर चीज प्राप्त करने की इच्छा। एक फिल्म थी उसमें वो कहता था जो खलनायक, जो चीज मुझे आराम से नहीं मिलती मैं उसको जबरदस्ती अधिकार से हासिल कर लेता हूं। ये खलनायक का रोल है, लेकिन आप खलनायक नहीं है, आपका क्या है, आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो। फिल्म के डायलॉग को इससे बिल्कुल नहीं जोड़ना, मैं तो सिर्फ स्वभाव का की तुलनात्मक दृष्टि से बात कीजिए। धनु लग्न अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, अपने एक चैलेंज जो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि धनु लग्न बृहस्पति की राशि है और उधर कन्या राशि में दशम भाव में चंद्रमा, राहु बृहस्पति शनि बुध 17 वर्ष और केतु शुक्र की महादशा सारी अच्छे फल देती है, लेकिन शुक्र रोग कारक भी बन जाता है। मकर लगन कन्या राशि, ये मकर लगन के 9वें भाव में चंद्रमा आ जाता है भाग्य स्थान में, तो आपका भाग्य सुपर फास्ट होगा ऐसा इस बात से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके केंद्र का स्वामी यहां से सप्तम और इसका स्वामी भाग्य स्थान में, आपके सोने की चम्मच आपके मुख में है और आपके लिए राहु बृहस्पति शनि और बुध केतु और शुक्र कोई भी दशा के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये खराब होगी। सिर्फ लास्ट टाइम में चंद्रमा दशा वरदान बनेगी, लेकिन सूर्य दशा अच्छा फल नहीं देगी, क्योंकि ये अष्टम भाव है, सूर्य की राशि अष्टम भाव में मकर लगन के लिए। अब कुंभ लगन और कन्या राशि अष्टम भाव में चंद्रमा होता है, चिंतित होते हैं, इमोशनल होते हैं, धनवान बहुत होते हैं, बड़ा मोटा ताजा आकार, बहुत अच्छी वक्ता, बहुत अच्छी दर्शनीय स्वरूप, लोग बाग इनके घर में मिलने आते हैं और नंबर नहीं आता कई बार, कहीं अगर बृहस्पति बैठ जाए स्पेसिफिक हो जाएगा, ये पर्सनल हो जाएगा किसी के लिए, लेकिन हम सिर्फ मामूली बात करेंगे। राहु की महादशा अत्यंत शुभ फल देगी, 16 वर्ष बृहस्पति अत्यंत लाभ देगी, क्योंकि आपके द्वितीय और लाभ भाव का स्वामी गुरु। 19 वर्ष शनि की महादशा, 1916 35 साल तो सत्ता आपके हाथ में है, आपके ग्रह कहां बैठे हैं ये भी वैल्यू लगानी पड़ती है, उस ग्रह अंश उसकी बाल युवा और वृद्धावस्था तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, रेट्रोग्रेड मोशन में तो नहीं है, तीसरे छठे बारहवें में तो नहीं है, डिपेंड करता है, ये सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं हर लग्न के लिए। फिर ये सारी दशाएं इनके लिए, राहु 35 साल तक मैंने बताया, 16, 19, 35, शनि की महादशा 17 वर्ष, बुध की महादशा केतु और शुक्र, यानी के 50-60 साल तक लगातार कुंभ लगन के लिए वरदान बन जाती है सारी की सारी दशाएं। अब मीन लगन पर आते हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा, मीन लगन इसको लगन मानते हैं सप्तम भाव का, तो आपकी राहु की महादशा 18 वर्ष शुभ फल देगी, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका जब होश संभालते हैं। फिर बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी लग्न का, ये योग कारक कन्या लग्न के लिए, कन्या राशि के लिए, और शनि की महादशा भी वरदान बनती है, क्योंकि मीन लगन का लाभेश शनि है, और लाभेश शनि बुध 17 वर्ष तक आपको सारे सुख प्रदान करता है, क्योंकि केंद्र केंद्राधिपति दोष भी लगता है, लेकिन बुध की स्थिति आपको बहुत विशेष व्यक्ति के रूप में पहचान दिलाती है, ऐसे व्यक्तियों के जो विचार हैं दुनिया तक प्रसारित हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो लेखन है या वाचन है, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो भी बोलता है मीन लगन वाला, मीन
लगन में कन्या राशि हो। When he will produce his valuable information to everybody and when he will deliver his lecture, everybody will listen very carefully, क्योंकि इनकी जो बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विवेक, extraordinary, learned person, वो दुनिया को अपना मैसेज दे देते हैं या उनके मैसेज को लोग ग्रेस्प कर लेते हैं, चुन लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैंने कन्या राशि और 12 लग्नों को आधार मान करके जो प्रिडिक्शन महादशाओं का किया है, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र, सूर्य, चंद्र और मंगल। लेकिन आप देखेंगे कन्या राशि हो और ये 12 लग्न हो तो गणेश जी की उपासना, ओम गणेशाय नमः या ओम गं गणपतये नमः या ओम वक्र तुंडाय नमः, इस मंत्र को बहुत कम आप गूगल में चेक करोगे तो ये मिलेगा नहीं, ये मैंने कहां से लिया है, बस गणेश जी की कृपा मेरे ऊपर हुई, मैंने समाज को सौंप दिया। आप इसको अपना इष्ट मंत्र भी बना सकते हैं, गणेश जी की ये प्रार्थना आपके लिए वरदान बनती है, रिद्धि सिद्धि, नवनिधि के दाता गणेश जी हैं, बुद्धि, ज्ञान, संतान, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि और बुद्धि, इन सब की वृद्धि करने वाले हैं गणेश जी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।